पर दुनिया सब याक तरकी नहीं हो भैया, दुनिया में बहुत ईमानदार परे हैं, बहु निकल देख लो, चल के देख लो, बहुत दुनिया में ईमानदार परे हैं, अब बहुत दुनिया में वही बेईमान परे हैं। लखनऊ में आप चले जाओ, अच्छे तरीके सबसे व्यवहार अदा करो, कोई तुमका ऐसा आदमी मिल जाए तुम्हारा झाड़ा झट का दो मिनट हम गायब कह दी, और कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुमका माला माल कह दी तुमका। एक हमारे दोस्त रहे भैया, हमारे दोस्त रहे तो भी बेचारे रक्षा चलाओ रहे, एक बाबू जी मिल गए तो बरसत रहे पानी तो रक्षा पर बैठा लें तो पूछा ला भैया कहाँ जात को आना हो, रोवेला कहला का करे बाबू जी परिवार चले थे रक्षा चले थे, बाबू जी का दया आ गए, कहला भैया रक्षा बंद करो आज से तुम हमारे घर में रहो, किनारे चढ़ा दी गई हड़िया भैया अब गोश पाकला भैया 1400 हड़िया पकने लगी, तनुक तनुक धुआं उठान तो यू मान लिया मुख्यमंत्री उतरैया, तब सब कहला हमारी जान में एक बाबा मारे नहीं मरते रहे और जो ये खाल ही सब तो भैया हो जाए 1400 तो कीका मारब कीका राखब। आए गए बूढ़ा ब्राह्मण बन के सटका टेकत आए होए, बूढ़ा भेष ब्राह्मण बना करके सटका टेकत आए होए, सब चेलन को डांट दिया कहो कौन ने खाए होए को खावा है, सब चेला कहला गुरु जी खाए नहीं है भाई, खाए नहीं चुर रहा है, जब कहा चुर रहा है हाँ चुर रहा है, कोई तक खाए न लिहो नहीं सांप क्या डसा है, और सांप क्या डसा जानते हो, सांप मरी मार डारो और सांप के रे मुहिमा गन्ना बोई दियो सांप के यहां मार के मुहिमा गन्ना बोई दियो, अब वो गन्ना बोई दियो गन्ना चूसे, अब गन्ना जो कहे वो चूस ले तो बताओ तो गन्ना चूस दे मरी जाई, सही है बताओ तो गन्ना जो कोई चूस ले तौन आदमी मरी जाई, अगर कोई खा ले हो गुरु जी का गोश तो मरी जाई हो, और गुरु जी सोचा जब हम मर गए तो चेला का है बचे, इनका सबका लेहे जाई संग है, तो जो कोई मरा चाहत हो तो बताओ, सब चेला कहला नहीं नहीं खाब नहीं गुरु जी हुई है यहाँ, फेंक दे इस समय हड़िया वैसी कहाँ फेंक दी तालाबम बैंक, तो नदी रहे वह मैं सब है भैया उठाए ये फेंक दिया। लेकिन एक बात बता दी, आज के 22 साल पहले हम भजन गावा रहने छोटे पर, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे, है जगत में जिसका जगत पिता, जिका भगवान रक्षक का को भक्षक, चक्कर खाए डूब गई हड़िया सब है गप गप गई बूढ़ी, लेकिन भगवान किस्मत भैया डूबी नाए बची हड़िया, लेकिन याक जो हड़िया रहा है वह भैया गए बची, वाह धीरे धीरे बहत समुद्र में, धीरे धीरे बहत समुद्र में, अरे पंगा ले लो आई है, बंगाल तक आ गई वह भैया हड़िया बहते बहते, कुछ लड़कियां बंगाल के लिए ही रहे नहाए, उमा याक लड़की रहे रैदासन के, एक लड़की थी रैदासन की नाम था लोना, देखा हड़िया बहती चली आ रही तो वह लपकत गए भैया, और जब देखी इसका उमा चुरा चुरावा गोश वह भकर भकर दिखाए, धीरे धीरे बहती समुद्र में बंगाले लो अरे पकड़ लो उस चमारी ने, पकड़ ली न उस चमारी ने, पगले उसको खाई गई है बहुत तेरी कचार, गई है बहुत तेरी कचार,
और इसी बीच में हमारे भैया, वाह भाई वाह, घर मालिक 200 रुपया सोनिका यादव भिट्ठा दरावा से, वाह भाई वाह, घर मालिक आएंगे। आज तक आ नहीं बताओ, 7 दिन हो गए। बहुत अच्छा भैया, एक सोहर की मांग 200 रुपया, वाह भाई वाह, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे और कई काम उत्सव भए हैं भैया। यूँ ने सोचे भाई खूब खावा है तो एक कोई काम भा, मुड़ना भा, मुड़ चटना भा, लौंडे छदना भा, औ का ये काम नहीं निपटावागा है। हाँ यो हवन भवा, आओ वही देखो का होए, है ना। बड़ा आनंद की बात है, घर मालिक जी की तरफ से 200 रुपया आए और भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कृपा करे। एक सोहर की मांग है तो दीदी जी ने भी सोहर कहा है और ये भी सोहर हो गया, सोहर एक को आए, तब गए तो बहू गई थी, यहाँ के फिर निपटा दिया भाई ना। हाँ अच्छा, तुम्हारा दूसर है, लिखा दूसर है, कतना टिकोर कहती हमारा तो गुस्सर है, हमारा तो गुस्सर है, लिखा दूसर है, देखो बताइए। मेरे सुन लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया आओ सुना दे, तो अभी सुना देंगे, अब आगे की कथा थोड़ी सुन लो, जल्दी 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 बता दें, फिर आगे बात बता दें। हाँ कहाँ पर पहुंचे? अब गुरुदेव, अब वह भैया जो लोना चम्मारी थी, जैसे गुरु जी का मांस खाया तो वह भैया तीनों लोक जान गए, सब जादू जान गए, जतनी गुरु जी में शक्ति वतन विद्या हुई कम। इस कथा के गायक हैं बीधे राम बाबा। बीधे राम बाबा जी कहते कि ऐसे करके बंगाल में विद्या आज भी है, जादू अगर है तो बंगाल में है, बंगाल का जादू। कोई भी विष झारा जाए, कौनो मंत्र बोला जाए, उतारे वाला टोना वाला टंबर वाला, टोना काटो टंबर काटो, डीट काटो मोट काटो, हरेवास की कोट काटो, हंसनी बयार रोनी बयार खिसन करनी बयार, ये सब बयारी हैं, लड़का कहीं दावा करती हैं। तो आज उसका आखिरी में दुहाई लगती है लोना चम्मारी की। अगर लोना चम्मारी की दुहाई ना लगी हो तो आपके ऊपर वो मंत्र काम नहीं करेगा, बिस्वी काम नहीं करेगा। ए अब भैया यह सब काम हो गवा, नवलदे बेहोश पड़ी थी, आंख खुली तो आंख खुलते ही उसने सपना देख लिया। क्या सपने में? अगर जिसको हम चाहते हैं जी के ऊपर कभो संकट दुखवा जाएगा तो रामायण कहती है कि तुम्हारे पास बिना बताए खबर पहुंची। राम जी बनका चले गए, भरत जी कश्मीरम स्वामी नाना खुआ, राम जी बनका चले गए, राजा दशरथ जी मर गए, राजा दशरथ की आत्मा भरत जी को बताया कि भैया हमारी आत्मा स्वर्गम जा रही, तुम कश्मीर से अयोध्या आओ। राजा दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुनिया की सत्य कहो मैं 70 साखी, तो जिसको तुम चाहते हो और उसकी आत्मा तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी, ये प्रमाण ना कभी गया है ना कभी जाएगा। नवलदेव बेहोश हो गई थी, देखो लगन है कि गुरु आएंगे मेरे पति को जिंदा करेंगे, लेकिन 2 मिनट के सपना में, दोपहर में बात हुई थी कि अगर 2 मिनट में अगर आपकी आंख बंद हो जाए और 2 मिनट में आप भयंकर सपना देख लो, सपना सत्य है। क्या देखा नवलदेव ने सपने में? सपना देखो नवलदेव, दसे भ्रात गुरु जाए, चेलन ने तन राम के हड़िया दही बाहर। नवलदेव ने सपने में देखा कि मेरे भैया ने गुरु जी को भी डस के और उनकी विद्या बंगाल में पहुंच गई। बंगाले में जाए गुरु की विद्या छाई, रोवे छाती फार सजन कोई ले जी आई। नवलदेव भैया
रोने लगी कि अब बताओ को जियावे कैसे कहाँ करे। अतना बैर पति को डसा मैके में गई। राजा बासुक ने लाश को दब तक बाहर फेंकवा दिया। गुरुजी के खबर पास भेजा, गुरुजी जिंदा आ रहे थे तो गुरुजी का डस लिया और उनकी लाश को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और विद्या बंगाल पहुंच गया। इतना बहर, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नवलदे ने विचार किया, मेरे अगर गुरु की विद्या बंगाल में है तो मैं अपने पति को लाश लेकर के और बंगाल में जाकर के जिंदा कराऊंगी। इसको कहते हैं सच्चा लगाओ। समुद्र के किनारे लाई लहास को, घर नई तरीके की बनाती है, उसे तरीके की बना करके वो बढ़िया नाव जैसी बना करके, जैसे वो चाली जैसी होती है ना, उसी पर बना करके लहास को रख लेती है और उसी के ऊपर बैठ लेती है और नदी में डाल देती घर नई को और घर नई लेकर के चल पड़ी। बंगाल को जा रही अपने पति को जिंदा करने के लिए। सुन लो भैया, नारी वह लहास अकेले है, नारी जाती है वह मरी लहास है, वासन पानी है, मोबाइल तीर नहीं, उजेर है नहीं, रात 12 बजा हो, सनसनात रात हो, अगर सुनने वाला अगर प्रेमी है तो उसका दिल थर्राए उठी। रात के जब 12 बजे तो रात सन्नानी सब। नवलदे को डरने लगा, डर लगने लगा। ए भैया, आधी रात निशा सन्नानी, आधी रात निशा सन्नानी, करो जो नव भयो वर्रा तो हमका कुछ सहारा दो, हमका धीर बनाओ, ने हम मर जाओ। तो कहते हैं कि लहास के ये अंदर से क्या आया शब्द, लहास एकदम घुरघुराने की आवाज दिया, दिया हुकारा लासने, त्रिया गयो दृढ़ आए। दृढ़ माने थोड़ा धीरज होएगा कि हमारे पति के लाश जिंदा है, लेकिन लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मर चुके थे, वे लहास के अंदर वो तक्षक छपा जा रहा है। बताओ वतनी दुश्मनी, लहास हम घुसा जा रहा है कि हमो जिंदा नहीं हो जा। अतना बैर काहे को भाई, लेकिन सहारा मिल गया कि अब मेरे पति अभी जिंदा है। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए, बहत बहत दरियाओं में कमरू पहुंची। धीरे धीरे लहास बंगाल के किनारे पहुंची। बंगाले में जाए ए लगी लगी पार से लाश, घाट पे आई टिकानी, कमरों के नर नारी देखवे आए रानी।
जब लाश को किनारे लगाया, रात भर की जगी थी, घाट पर उतार के लाश रख दिया, बेचारी रात भर जो कर जागा हो तो तनकों आंखी मूंद जाती, तभी सो जाती आंखी मूंद गई। बंगाल की कुछ लड़कियां आई पानी भरे तो देखी कि लाश बड़ी सुंदर है, मरी भे बताओ। आप लोग इतना ध्यान दो कि मरा भवा आदमी फारी फारी खाए लागत, मरा आदमी फारी फारी खाए लागत, और तक परिचित मरीगे हैं, और मरे के बाद बहुत जने क्यार दिलो आयो बड़ा नीक लगा जो जिंदा है कहा करते है। यो हिमा यो लड़की ने मैं यहाँ या का लबरी रहा है, बहुत ही लबरी होती हूँ लबरी। देखो बिहाव होते कलेवा खाए लड़का जाए रहा तो जो लबरी होते है वह वरौनी करे ठाड़ हुई बरामदा करे छज्जक भलमा। आई बहुत नीक लागत है, नीक बहुत लागत है। यही तलका हमारे होत गुड्डवा आए हमार तो गड्डवा गड्डवा है। हाँ यह तरह हमारे होते लबरा लबरा लबदाऊ गलत बताए। वह लहास परी है परीक्षित की लड़कियां आई कह लगी बहनी का पति है अब या डॉक्टरी करावे आई बेचारे ठीक है लेकिन वही माँ यहाँ का रहे चट्टी नाव बताई रहे धोबिनी का नाव रहे गंगुइया लगी पार से लाश घाट पे आए टिकानी कमरों के नर नार देखवे आए रानी सुगंगो धोबिन जादू कई कई लई गई लाश चुराए। उसने अपने जादू के द्वारा परिचित की लाश का अपहरण कर लिया और लहास लई कई लाश बहलमा पहुंची और खुशी मनावे जाए के करत का है अपनी जोरदार विद्या हुई का मालूम है कि भैया परिचित की लाश को नौमी लाल लहास क्या करती है लादे रोज भूप पे लाद पिला दे रोज भूप पे जाए घाट पर धोवत दिनमा बनावे गदहा घर भरे के लादे कपड़ा घाट पर धोवे हुई घूरे पर चल रहे और रात में यहाँ गदहा से ने जौन जू चाहे तो बना हुए लादत लादे रोज भूप पे जाए घाट पर धोवती है करके वह धोबिन भैया परिचित की लाश को गायब कर दिया। जब नवलदे की आंख खुली देखे मेरे पति की लाश गायब अब बताओ पति को 3 महीने का गर्भ है। ये बातें ध्यान दो 3 महीने का गर्भ है बच्चा पेट में है पति की लाश को लेकर के पिता के भवन गई लाश कबाड़ खाने में फेंक दिया। खबर गुरुजी के पास पहुंची तो भाई ने गुरुजी को जहांदन पहुंचा दिया। लहास नाव पर रखा लेके बंगाल में पहुंची तो यह चोटी है लहास उठाए ले गए। अब बताओ इसे बड़ा कोई दुख मिली का यूस बड़ा कौनो दुख हो चाहिए भैया रोने लगी घाट।